गुजार रही है मार्वल एवेंजर्स के गेम को लेकर के। तो मार्वल एवेंजर्स ने जो है वार ऑफ वकांडा का जो है एक एक्सपेंशन अनाउंसमेंट किया था, एंड उस एक्सपेंशन में जो है हमको ब्लैक पैंथर देखने को मिलने वाला था, उसकी स्टैंड लोन स्टोरी हमें वहां पे देखने को मिलने वाली थी, हालांकि स्टोरी कंटिन्यूएशन ही थी। एंड उसमें कहा जा रहा था कि जो नया एक्सपेंशन आ रहा है वो 25 आवर लॉन्ग स्टोरी होने वाली है, जो कि असल में नहीं है। एक्चुअली ये गेम जो है, जो एक्सपेंशन है बेसिकली, वो अराउंड 7.5 आवर to 9 आवर्स तक का कंटेंट जो है वो देगी, और फ्री कंटेंट है। जिन लोगों ने मार्वल एवेंजर्स ओन किया हुआ है उन लोगों को ये फ्री कंटेंट देखने को मिलेगा। और एंड कमाल की बात यह है कि जो ब्लैक पैंथर का वॉइस एक्टर है वो आपका क्रेटोस है, तो क्रेटोस के गेम में जिसने वॉइस दी है वही वॉइस एक्टर जो है वार ऑफ वकांडा में ब्लैक पैंथर की वॉइसिंग करने वाला है, जो कि बहुत ही कमाल का है, बिकॉज जो वॉइस है गॉड ऑफ वॉर में हमारे मेन क्रेटोस की एंड ब्लैक पैंथर की काफी ज्यादा हैवी है, एंड ऐसा लगता है कि हाँ कोई बहुत ही बड़ा हीरो आया हुआ है हमारे सामने। तो ये एक चीज है, इस बात से मैं बड़ा खुश हूँ। एंड अगली न्यूज जो है आ रही है वो हमारी गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक से लेकर आ रही है। तो स्टेट ऑफ प्ले में गॉड ऑफ वॉर के बारे में कुछ हमें देखने को नहीं मिला, एंड गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक का जो था वो लास्ट ईयर हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा टीजर देखने को मिला था। अभी लीक्स ये आ रही है, कहा जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ हमें कभी भी गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक का ट्रेलर देखने को मिल सकता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज आ रही है माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिम्युलेटर गेम से। तो माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिम्युलेटर का जो है साइज निकल गया है एक्सबॉक्स सीरीज एक्स पे, उस पे गेम अराउंड 97 GB तक का गेम है, अराउंड 100 GB तक का ही मान के चलो, बहुत ही बड़ा और मैसिव गेम है। एंड जो है नेक्स्ट जनरेशन अपडेट के साथ आएगा तो ऑब्वियसली बात है काफी ज्यादा साइज जो है वो गेन करने वाला है। वॉरजोन तो नहीं है बट स्टिल काफी बड़ा गेम होने वाला है। उसके बाद गाइस यहाँ पे उसी से रिलेटेड एक और न्यूज ये है कि अभी तक जो है माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिम्युलेटर में आपको प्लेन्स देखने को मिल रहे थे, कहा जा रहा है कि फ्यूचर में इस गेम के अंदर हेलीकॉप्टर वगैरह भी ऐड किए जाएंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज आ रही है नेटफ्लिक्स को लेकर के। तो नेटफ्लिक्स जो है अपने प्लेटफॉर्म में गेम्स वगैरह प्रोवाइड करने वाला है, बेसिकली एक गेम स्ट्रीमिंग सर्विस देने वाला है, एंड ये जो है प्लेस्टेशन के साथ पार्टनरशिप करके होगा। अभी इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं, लेकिन कहा गया है कि नेटफ्लिक्स के iOS ऐप में कुछ ऐसे फाइल्स मिले हैं जिससे ये कंफर्म हो रहा है कि प्लेस्टेशन के साथ पार्टनरशिप करके वो गेम्स जो है स्ट्रीम करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पे। एंड ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, क्योंकि नेटफ्लिक्स जो है वीडियो के लिए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, गेम्स के लिए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो है स्टेडिया जो है काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा है, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा फास्ट इंटरनेट कनेक्शन चाहिए एंड स्टेबिलिटी चाहिए नेटवर्क की, तब जाके जो है आप स्ट्रीमिंग गेम स्ट्रीमिंग सर्विस को जो है थोड़ा इन्जॉय कर सकते हो। नेटफ्लिक्स कैसे करेगा नो आइडिया, एंड अगर नेटफ्लिक्स जो है प्ले स्टेशन के साथ मिलकर ऐसा कुछ कर रहा है तो प्ले स्टेशन के गेम्स ऑब्वियसली हम अपने फ़ोन पर खेल पाएंगे। एक यहाँ पे लोगो भी निकल के आया है एन गेम करके, तो ये एन गेम मेरे ख्याल से अलग से एक लाइब्रेरी होगी जिसके अंदर गेम्स वगैरह रहेंगे। वेल देखते हैं क्या चीजें निकल के आती हैं इसको लेकर के, एंड क्या चार्जेस रहेंगे या फिर नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड रहेगा, वेल इसके बारे में भी हमें फ्यूचर में पता चलेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो ईए के साइड से। तो ईए ने यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है कि इस साल जो है वो कोई भी स्टार वॉर्स की गेम अनाउंसमेंट नहीं करने वाले हैं। अब स्टार वॉर्स की जो गेम है काफी लोगों की डिमांड है कि ओपन वर्ल्ड गेम आए, तो पता नहीं ईए क्या कर रही है अपने नेक्स्ट स्टार वॉर गेम्स के साथ। जो लास्ट आया था स्टार वॉर्स काफी अच्छा था, काफी लोगों ने प्रेज किया था उसको, एंड नेक्स्ट स्टार वॉर्स अगर ओपन वर्ल्ड रहेगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि ईए प्ले जो लाइव होने वाला है 22 जुलाई को, उसमें जो है कोई भी स्टार वॉर्स की गेम नहीं आएगी। तकरीबन मेरे ख्याल से 2022 तक हमें कोई स्टार वॉर का गेम नहीं देखने को मिलने वाला है। उसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो आ रही है रेजिडेंट ईविल के आरीवर्स, जो उसका एक मल्टीप्लेयर मोड है जिसमें आप हीरो बन के भी खेल सकते हो और विलन बन के भी खेल सकते हो। मल्टीप्लेयर मोड है रेजिडेंट ईविल का, इसका बीटा वर्जन आया था कुछ टाइम पहले, एंड अब जो है ऑफिशियल गेम जो है वो डिले हो गया है। तकरीबन 2022 तक ये गेम जो है डिले हो गया है, एंड उसके बाद ही जो है ये रेजिडेंट ईविल विलेज में जिन लोगों ने उसकी कॉपीज ओन करी हुई है उसके साथ ये गेम जो है साथ में आएगा। तो फिलहाल ये गेम जो है फिलहाल डिले हो गया, मैंने इसको खेला था, उतना ज्यादा एक्साइटिंग तो नहीं है बट स्टिल आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है जितने भी आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं रेजिडेंट ईविल के वो बन के आप खेल सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो आ रही है बैटलफील्ड के गेम को लेकर के। तो बैटलफील्ड का एक गेम जो है वो नेक्स्ट वीक फ्री हो सकता है ईए प्ले और बैटलफील्ड फ्रेंचाइज के प्रमोट करने के लिए, एंड ये होगा बैटलफील्ड 1। तो अगर आप बैटलफील्ड 1 खरीदने का सोच रहे हो तो मत खरीदो, ये अगले हफ्ते फ्री हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज आ रही है निंजा को लेकर के, एंड निंजा जो है वो एक रेड शेडो लेजेंड गेम के अंदर एक प्लेएबल कैरेक्टर बन गया है। ये आप पिक देख सकते हो, मुझे तो बड़ा ही फनी सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि फेस काट करके बस चिपका दिया है। तो आप लोग मुझे बताओ कि निंजा के बारे में आप क्या सोचते हो, इस एवटार के बारे में आपको क्या लगता है। उसके बाद बैटलफील्ड 2042 से एक और न्यूज ये भी है कि इस गेम के अंदर ये क्रॉस प्ले सपोर्ट करने वाला है, पीसी प्लेस्टेशन एक्सबॉक्स सब मिलजुल के खेलेंगे इस गेम को, जो कि एक अच्छी बात भी है। सारे प्लेयर जो है एक ही जगह रहेंगे, थोड़ा बहुत अनफेयर रहेगा कीबोर्ड माउस एंड कंट्रोलर का, बट स्टिल आपको
वेट नहीं करना पड़ेगा लॉबी के अंदर, आपको तुरंत मैचेस मिलेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज आ रही है, वो आ रही है स्पाइडरमैन 2 के डेवलपमेंट को लेकर के। तो स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस के एक्टर ने मोकैप सूट की एक फोटो डाली थी एंड उससे ऐसा लग रहा है कि स्पाइडरमैन 2 की जो है डेवलपमेंट चालू हो गई है एंड उसके बाद वो फोटो डिलीट भी कर दी। तो ये एक फोटो जो है निकल के आई हुई है, मोशन कैप्चर जो सीन है वो चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हम मान सकते हैं कि स्पाइडरमैन 2 डेवलपमेंट फेज में है एंड हमें इसके बारे में कुछ और देखने को मिलेगा फ्यूचर में। उसके बाद गैस यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ है जस्ट कॉज मोबाइल गेम से। तो जस्ट कॉज का मोबाइल गेम जो है वो डिले हो गया है और ये गेम जो है 2022 तक डिले हो गया है कोविड पेंडेमिक के वजह से। काफ़ी सारी गेम्स जो हैं डिले हो गई हैं इस साल जो आने वाली थी एंड कोविड जो है एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका। उसके बाद गैस यहाँ पे GTA ऑनलाइन में एक नया अपडेट अनाउंस किया गया है लॉस सैंटोस ट्यूनर का। ये अपडेट जो है ज़्यादातर फोकस्ड है आपके कार्स पे, तो ज़्यादातर रेसिंग वगैरह होने वाला है। एक स्पॉट है जहाँ पे आप जा करके सोशल गैदरिंग वगैरह कर सकते हो, तो कमाल का अपडेट है। अगर जिनके पास GTA ऑनलाइन है वो लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। अपडेट जो है आपको देखने को मिल जाएगा July 20 को। उसके बाद गैस यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है FIFA 22 से। तो FIFA का 22 वर्जन जो है वो कोई भी नेक्स्ट जनरेशन इम्प्रूवमेंट नहीं लाने वाला है आपके PC पे। जो नेक्स्ट जनरेशन इम्प्रूवमेंट है वो ज़्यादातर कंसोल डिवाइसेस के लिए ही रखा गया है ताकि आपके लो एंड PC पे फीफा का गेम अच्छे से चले। सेम जैसे कि 21 में था वैसे ही फीफा 22 में भी आपको वही पुराने वाले वर्जन देखने को मिलेंगे, मिड टायर या फिर लो टायर के ग्राफिक्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे ताकि जो स्मूथनेस है गेम की वो मेंटेन रहे एंड ज़्यादा से ज़्यादा PC प्लेयर्स जो है इस गेम को एंजॉय कर सके। उसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, वो आ रही है घोस्ट वायर टोक्यो। तो घोस्ट वायर टोक्यो जो था एक बहुत ही कमाल का गेम था, PlayStation एक्सक्लूसिव गेम है मेरे ख्याल से ये, एंड ये अगले साल तक के लिए जो है डिले हो गया है। ओरिजिनली प्लान था कि ये इस साल रिलीज होगा बट अर्ली 2022 में इस गेम को जो है पुश कर दिया गया है कोविड पेंडेमिक की वजह से। उसके बाद गाइस यहां पे नेक्स्ट न्यूज आ रही है, वो आ रही है एपेक्स लेजेंड के गेम को लेकर के। तो एपेक्स लेजेंड जो है यहां पे दो नए लेजेंड्स को अनाउंस करने वाला है आने वाले टाइम में। उनमें से एक जो है कहा जा रहा है कि वो शायद एक अफ्रीकन लेजेंड होने वाला है जिससे जो है फैन काफी ज्यादा एक्साइटेड है। देखते हैं जो भी लेजेंड आएगा उसकी कमाल की एक बैक स्टोरी होगी एंड कमाल का एक एनिमेशन ट्रेलर आएगा। तो गाइस ये है आज की गेमिंग न्यूज़। आई होप आप लोगों को आज की न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।